अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय सेकंड डे व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग। आई होप कि आपने इंजॉय किया होगा। अभी सुबह उठ चुके हैं, फ्रेश भी हो चुके हैं। अब जस्ट हमने अपना जो व्लॉग है उसका स्टार्ट करना है, नाश्ता करना है, कपड़े चेंज करने रेडी हो के। तो हमारे साथ है जी सर, तो कैसा लगा आपको रात का एक्सपीरियंस, रात कैसी गुजरी आपकी? अच्छी थी रात। पूरी बात सुन लें पहले। तो चलिए बताते हैं आप रात कैसी गुजरी आप। बहुत मजे की थी, चार पाँच दिन सोए हैं, अभी फ्रेश हो गए हैं, अभी नाश्ता किया जा रहा है। ठीक है, तो रात का खाना कैसा था? रात का खाना यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैनेजमेंट कैसी थी? एक्सपीरियंस अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, होटल भी अच्छा है। थोड़ा ऊँचा बोल दे, माइक नहीं लगा वहाँ भी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हमारे साथ रहिएगा, नेक्स्ट जितना भी सफर है वो सारा प्राडो भी होगा। अभी हम जा कहाँ ले रहे हैं? मिनी मार्केट यार। ठीक है, उधर टॉप है मिनी मार्केट, रात को हमारा डोमेन है वो कैंपिंग स्टे है। हाँ, बल्कि रात को हम कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है हमारे साथ। आज हमारे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर है, पहली बार हमने। लड़का खुश है, मंदिर की जाने पर रवाना हो चुका है जी। ये कौन है जी? ये पीछे वाले कौन है? सर पहले आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? दुमेल, कितने घंटे का सफर है ये? पाँच, हमें तीन बताया गया पहले, हमें तीन बताया गया। ये चौका हो रहा है, अरे यार व्यू चेक करो माशाल्लाह। जब भी हम जा रहे हैं ऊपर, आपको मैं सही दिखाते हैं कि क्या सीन है। हमने यहाँ ब्रेक लगाई है, थोड़ा आपको व्यू इंजॉय करवा दें, दिखा दें, शायद आप लोग भी थोड़ी चस ले लें घर बैठे बैठे। ये हमारी तीन गाड़ियाँ हैं, ठीक है, हम निकल गए हैं। ब्रो आई एम इंप्रेस्ड। यकीन करें आज हमारा यहाँ पे सेकंड डे है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, हमारी रिहाइश अच्छी थी, खाना अच्छा था, ट्रिप पे इसका दिल की अथाह जो है शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमें। बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है जी आपको यहाँ? यार बहुत मज़ा, बहुत मज़ा आ रहा है। वेदर कैसा है यहाँ पे, व्यू कैसा है? व्यू आप दिखाएं ना पीछे, आपको पता चल जाएगा। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, हमें भी देख लेना उसके बाद व्यू। बहुत ठंडा, बहुत मज़ेदार नेचर, और फुल पीस, बहुत खूबसूरती है यहाँ पे बात करें। अच्छा यार
सरकार कैसा आ रही है? आई है जी। तो व्यूअर्स अभी हम आ चुके हैं, ये चिलम है या चिलाम है अभी सर? हम चिलम चौकी पे हैं, चिलम चेक पोस्ट पे हैं। ये चेक पोस्ट आर्मी की, यहाँ आईडी कार्ड सबके चेक करते हैं और फिर आगे जाने देते हैं। हाँ, यहाँ पे आपने आईडी कार्ड सबमिट करवाने हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है कि आपने आके जाना है या नहीं जाना। ये आप देख सकते हैं चेक पोस्ट, अभी हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है, चेकिंग होगी। हमने अपने जो आइडेंटिटी कार्ड है, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है इनकेस, आप अपना पासपोर्ट साथ लेके आए ताकि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो इजीली हो सके। और ये रास्ता मिनीमा की तरफ जा रहा है, यहाँ से एक घंटा लगता है। तो अभी हम जा रहे हैं मिनीमा जा रहे हैं और रास्ते में बुर्जिल टॉप आएगा, ठीक है। और वो उसको कहा जाता है कि वो बुर्जिल टॉप से भी हाइट ज्यादा है इसकी। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पे वहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि स्नोफॉलिंग हो रही है। स्नोफॉल भी है, हाँ जी। हमारे साथ रहेगा, होप्स हो कि आप भी हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। कीप सपोर्टिंग, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी आईडी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तकरीबन एक घंटे का प्रोसेस है ये। अभी हम यहाँ से निकलने हैं अपने ट्रैक की जाने, तो रस्ते के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाते जाएंगे। तो व्यूअर्स अभी हम पहुंच चुके हैं बुर्ज टॉप पे, बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, लाइट स्नोफॉल हो रही है, आप देख सकते हैं। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा रहा क्योंकि ठंड से ना दबाव शुरू हो चुका है। भाई आपको दिखाते हैं झाक की खूबसूरती, आपको लाजमी एरिया विजिट करना चाहिए। एक न्यू डेस्टिनेशन है, नहीं पता यहाँ पे कोई ट्रिप नहीं आ रहा, आई थिंक फर्स्ट वन क्लब है। मैं इसे ब्लॉग बना रहा था कि हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। ये भी ने ब्रेक लगाई है मिनीमर्ग, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको कैप्चर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, एक कुदरती आँखें उसको देख सकती है। लेकिन हमारी कोशिश पूरी यही है कि हम आपको हर नज़ारा यहाँ, दिलकश नज़ारा आपको दिखाएं, आप तक डिलीवर करें। अभी हमने यहाँ पे योगा की, माइंड इतना रिलैक्स हो चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं आपको इस जगह की तारीफ बयान कर सकूँ। जी तो व्यूअर्स, आपका भैया भी यहाँ पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पे, ठीक है, रैम्बो लेक इसे कहा जाता है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, आपको दिखाते हैं इसका व्यू।
अच्छा तो क्या कहते हैं जहाँ टाइम होता है 5 बजे तक, ठीक है। तो इस टाइम में काफ़ी पोस्ट आई हैं, सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने आना है अपनी एंट्रेंस वगैरह करवा के, तो आप वेरिफिकेशन साथ यहाँ पे आए ताकि आपके लिए कोई मिसाइल ना दरपेश हो यहाँ पे। ये पीछे रेनबो लेक है, लेकिन अभी सनलाइट नहीं है तो जिसकी वजह से ना वो व्यू ना प्रॉपर आ नहीं रहा। हाँ, जो मैंने आपको पल दिखाई है। अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल सामने यहाँ पे क्रिस्टल लेक है, हमें वो सुबह जाता बता रहे थे आप विजिट करें, बहुत अच्छी जगह है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इस वक्त मौजूद हैं रेनबो लेक के बेस्ट एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम रिफ्रेशमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, अभी हमने ऑर्डर किया है चाय, समोसा पकौड़ा वगैरह। ठंड बहुत है, सोचा थोड़ा वेदर को भी इंजॉय किया जाए। आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, ये बेसिकली बड़ी जबरदस्त जगह है, मैस से आर्मी का, और आर्मी का मैस आपको पता है किस तरह होता है, वेल्डिंग रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। अगर आप ये देखें, आप दूसरी साइड भी दिखाएं, सब कुछ यहाँ पे है और बड़ा जबरदस्त। और इसके रीजन जो है यहाँ पे वो ये कि यहाँ पे सब कुछ सस्ता है, चाय आप यकीन करें 120 रुपए की चाय है और 400 रुपए की प्राइस की प्लेट है और 500 रुपए के पकौड़े। तो अगर आपको ऐसे में बैठ के 4-5 hours करना पड़ रहा है तो आई थिंक वर्थ इट। इसके स्टॉलिंग में है लेक्स है, मैं आपको क्रिस्टल दिखा रहा, आपने देखी भी होंगी, अभी क्रिस्टल लेक है, रेनबो लेक है, आप शायद पे आ रही है, यहाँ पे ग्लेशियर से पानी आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे व्लॉग को पसंद किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। बाकी 3 दिन का टूर अभी रिमेनिंग है और व्लॉग डेली के डेली अपलोड होते रहेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पे नेट का भी बहुत इशू है, हमने रेस्पॉन्स की सिम ली है। हाँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं आपको नेटवर्क इशूज़ है, आप एक वाले परेशान होते हैं कि हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, नेटवर्क नहीं आ रहा, रब्ता नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे आके एसकॉम की सिम ले सकते हैं ताकि आप अपने गवर्न से भी कंटेक्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्क आ जाता है और 3G 4G भी आती है यहाँ पे। तो जनाब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना, मिलते हैं अगली वीडियो में।